को तुमसे बात करना है पल्लवी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाओ यहां से। सिर्फ एक बार प्लीज। ठीक है, हम बाहर चल के बात करते हैं। कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे दोनों। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। अब सही कह रहे बाबा, दोनों के शक्ल पर नाराजगी साफ नजर आ रही है। अमृता, पल्लवी ने तुझे कुछ बताया? सब कुछ ठीक है ना दोनों के बीच? नहीं काका, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अम्मा, अम्मा भाई अपने कमरे में नहीं है क्या? आपको पता वो कहाँ गया है? नहीं, मेरे को तो कुछ पता के नहीं गया। मैं फोन ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? अम्मा फोन नहीं उठा रहा है। फिर से कहाँ चला गया ये लड़का? अम्मा, मैंने अन्ना को कार में जाते हुए देखा। मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत ही जल्दी में थे वो। वेंकटेश्वरा, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाए, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमको कॉल करने का बहुत कोशिश किया पल्लवी, लेकिन तुम मेरा कॉल्स आंसर नहीं कर रहा था, मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हो रहा था मेरे को। मैं जानता हूं मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया पल्लवी, इतना बड़ा गलती कि मैं माफी भी मांग नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको इस हाल में देख भी नहीं सकता पल्लवी। मैंने मेरे वजह से तुम्हारे हंसी छीन लिया। एक चांस दो पल्लवी, सिर्फ एक चांस। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा वो हंसी वापस लौटा कर देगा। Cause I really, really, really love you. शादी के बाद यह हमारा पहला दिवाली है, एटलीस्ट आज का दिन मेरे साथ रहो। मेरे पे जितना चिल्लाना है, जितना गुस्सा करना है, जितना मेरे को मारना है मारो, मेरे को माफ नहीं करना मत करो, लेकिन प्लीज सिर्फ ये एक बात बोल दो कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मेरे को एक चांस देगा। प्लीज पल्लवी, तुम मेरे को कभी भी अपना जिंदगी से दूर नहीं करेगा, बस ये बोल दो, ये प्रॉमिस कर दो। ये राग भी कहती है नहीं है, मेरा एक गलती को। ये सिर्फ एक गलती नहीं है राघव, दूसरी औरत के साथ रात बिताकर आए हो तुम। तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती तो शायद जिंदगी भर ये बात मुझसे छुपाते तुम। जिंदगी भर मैं एक झूठा रिश्ता जी रही होती। बरागल से वापस आने के बाद अपने गिल्ट में तुमने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया कि खुद पर डाउट करने लगी थी मैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझ में ही कोई कमी है, जो मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है। मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था तुमने। गलती तुम्हारी है, लेकिन शायद पूरी जिंदगी मैं यही सोचती रहूंगी कि शायद मुझ में
उसमें ही कोई कमी थी कि मेरा पति किसी और के पास चला गया। शायद मैं ही वो पत्नी नहीं बन पाई, शायद मैं ही अपने पति को वो प्यार नहीं दे पाई जो वो चाहता नहीं, था। नहीं, नहीं बोला भी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें या तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं कमजोर था जो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया, गलत मैं था जो आगे बढ़ गया। वरंगल से वापस आने के बाद तुमको सब कुछ बताने वाला था मैं। कई बार तुमको बताने का कोशिश किया लेकिन हर बार ये बात अधूरी रह गई। I'm sorry, पल्लवी, तुम मेरे वजह से अपने आप पर डाउट कर रहा है। इस पर भी ऐसा मेरे पास भी मत आना। तुम्हें अब ये हक नहीं है। इतना बड़ा जख्म देकर उस पर मरहम लगाने का हक नहीं है तुम्हें। मेरी खुशियां छीन कर उसे वापस लौटाने का हक नहीं है तुम्हें। दर्द देकर मेरे आंसू पोंछने का हक नहीं है तुम्हें राघव। प्लीज 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 पल्लवी, ऐसा मत कहो कि मेरे को तुम पे कोई हक नहीं है। अभी आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दूर चलो यहां से। पल्लवी प्लीज, really, I'm sorry, Pallavi, Pallavi, please. प्यार, 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 नहीं करते तुम मुझसे प्यार। अगर करते तो वो रात ईशा के साथ नहीं बिता दे तुम। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। In fact, I hate you, Raghav. I hate you. आज मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे प्यार किया था। पहले दिन से मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले थे तुम। कांग्रेचुलेशंस, तुम कामयाब हो गए। और होते क्यों नहीं? इडियट थी ना मैं। तुमने मेरा दिल तोड़ा क्योंकि मैंने तुम्हें उसे तोड़ने का हक दिया। पता नहीं किस दुनिया में जी रही थी मैं, जो मुझे लगा कि इस नफरत भरी शादी में भी प्यार हो सकता है। जिस रिश्ते की नींव ही कड़वाहट पे खड़ी हो, वहां प्यार भरा घर कैसे खड़ा हो सकता है राघव? जीत गए तुम राघव राव, खत्म कर दिया तुमने पल्लवी को। मेरी सोच, मेरी अच्छाई, मेरा भरोसा, मेरे उसूल सब बदल दिया तुमने। पल्लवी को पल्लवी से छीन लिया तुम। अब पता नहीं ये नई पल्लवी क्या करेगी, कैसे जिएगी। इसलिए प्लीज माफ करो मुझे और जाओ यहां से। मैं थक चुकी हूं राघव। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा पंचिंग बैग बनते वक्त थक गई हूं मैं। तुम्हें कंधा देते देते थक गई हूं मैं। अब अपनी गलतियों का बोझ तुम खुद उठाओगे। मुझे मेरा दर्द संभालने दो प्लीज। इस बात की कभी उम्मीद मत करो कि शायद मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। राघवी का सफर यही तक था। अब सब खत्म। इस रिश्ते के अंत के जिम्मेदार सिर्फ तुम और राघव राव, सिर्फ तुम।
तू ठीक है? हाँ बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे राघव और तेरे बीच कुछ ठीक नहीं है? नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। फिर तू अचानक यहाँ क्यों चली आई? शादी के बाद तेरी पहली दिवाली है, तुझे अपने ससुराल में मनानी चाहिए ना? बाबा, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सोच सोच के, ये कर करके थक चुकी हूँ मैं। अब मैं वही करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कहता है। मतलब अगर मैं दिवाली अपने घर वालों के साथ मनाना चाहती हूँ तो कुछ गलत है क्या? मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग मेरी फैमिली नहीं है। अरे, राघव के साथ बहुत फेस्टिवल्स मना चुकी हूँ, अब मैं ये दिवाली आप सब लोगों के साथ मनाना चाहती हूँ इस घर में। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा इस घर पर? बिल्कुल है बेटा, ये घर तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। लेकिन तू दिवाली मनाने आई है ना, उस आंखों में आंसू क्यों? तेरी हंसी कहाँ है? मेरी हंसी को बार बार किसी की नजर लग जाती है काका, इसलिए अब हंसने से भी डर लगता है। पल्लवी देख, तू मुझे ना, बहुत लेट हो चुका है, अभी आप सब लोग जाइए, जाके सो जाइए, हम लोग सुबह बात करें। कुछ तो बहुत गलत हुआ है, पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, मेरे को भूख नहीं है। हम्मा, खाना खा लो, आपको दवाई भी खानी है। नहीं, एक निवाला भी नहीं जाएगा मेरा नीचे। चल, मैं आपको खिला दूंगी। विजय जी। हेलो। नमस्ते जया जी, विजय बोल रहा हूँ। जी विजय जी, आप इतनी रात क्या फोन किया? माफ कीजिएगा, मैंने इतनी रात को आपको परेशान किया है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी। जी बोलिए। वो पल्लवी यहाँ घर आई है, राघव भी उससे मिलने यहाँ आया था। थैंक गॉड दोनों वहाँ पे है, नहीं तो हम तो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि दोनों कहाँ गया है। वो दोनों तो बहुत देर से यहाँ पर आए थे, बल्कि दोनों ने घर के बाहर जाकर काफी देर बात भी की, लेकिन जब से उन दोनों के बीच बात हुई है और पल्लवी घर में आई है, कुछ परेशान लग रही है जया जी। उससे अगर कुछ पूछा तो कह रहे कि सब कुछ ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुई है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया कि शायद आपको पता हो कि दोनों के बीच क्या हुआ है। विजय जी, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ मेरे को एक बात का शक है कि ये ईशा जरूर कुछ किया है। ईशा? उसका क्या लेना देना इससे? दरअसल ईशा सिर्फ राघव के साथ काम नहीं करता है, बल्कि कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करता था। फिर एक दिन ईशा राघव को छोड़ के चला गया। ईशा के जाने के बाद राघव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और अभी वो सिर्फ पल्लवी से प्यार करता है। लेकिन जब से ईशा राघव की जिंदगी में वापस आया है ना, उस लड़की ने राघव और पल्लवी का सुख चैन छीन लिया है। बच्चे हैं दोनों जय जी, अगर किसी तीसरे के बातों में आकर अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रहे हैं तो उनके माँ बाप होने के नाते मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। एकदम ठीक बोल रहा है विजय जी, माँ बाप होने के नाते हमको ही इनका झगड़ा सुलझाना होगा।
निशा, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो इस घर के लोग चाहते हैं। बेवकूफ थी मैं जो तुम्हारे दिखाए हुए सपनों पर यकीन कर लिया मैंने, कि मान लिया कि राघव मुझे वापस मिल सकता है। अरे वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उसे प्यार क्या करेगा। मैं जानती हूँ वो मुझे इस घर से निकाल के ही रहेगा, और इससे पहले कि वो दोबारा मेरी इंसल्ट करे मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ईशा, उसको पहले भी छोड़ चुकी हो ना तुम। क्यों? कि उसको पाने की ना ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है और ना ही जज्बा है, और ऐसी चलता रहा तो जिंदगी भर अकेली रह जाओगी। तो मैं क्या करूं सनी, कोई और ऑप्शन है? आंखें खोल के देखो ईशा, तुम्हारे सामने ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट ये बेस्ट टाइम है राघव के करीब जाने का। इस टाइम पे राघव कमजोर है, उसको सहारा चाहिए, उसका कंधा बनो और फिर देखो कैसे तुम उसके दिल में जगह नहीं बनाती हो। लेकिन सनी वो तो तब होगा ना जब मैं इस घर में रहूंगी। उसका भी आइडिया है मेरे पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।